अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अरुण की बनाई भगवान श्री राम की मूर्ति के चयन के बाद से उनके घर वाले बेहद खुश हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दी गई जानकारी सुनकर उनकी मां सरस्वती अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पा रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज आखिर है कौन? चलिए आपको बताते हैं। कर्नाटक का मैसूर इलाका। तकरीबन 37 साल पहले की बात है जब एक बड़े राजघराने के नामी शिल्पकार के घर एक बच्चे का जन्म होता है। दो पीढ़ियां शिल्पकार का काम कर चुकी थी, तीसरी और चौथी पीढ़ी काम में लगी हुई थी। दादा ने पोते का चेहरा देखा और कहा कि ये संभालेगा मेरी गद्दी। मतलब साफ था कि इस नवजात को शिल्पकार बनाना चाहते थे। बच्चा बड़ा होने लगा, अपने दादा और पिता को घर में मूर्ति तराशते देखते वो भी इसी काम में लग गया। एक दिन उसने खुद एक मूर्ति बनाई। दादा ने पोते की बनाई गई मूर्ति को देखा और देखते ही रह गए, ऐसा कि मानो दादा को पूत के पाँव पालने में ही नजर आ गए हों। तुरंत दादा के मुंह से एक भविष्यवाणी निकली, वो बोले कि ये लड़का एक दिन देश का बहुत बड़ा शिल्पकार बनेगा। जब लड़का थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने दुनिया देखी, देखा कि यहाँ तो रास्ते और भी हैं। उसका मन बदलने लगा, उसने जीवन में कुछ और करने का मन बना लिया। ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके भविष्य के शिल्प ने उसे लेकर कुछ और ही तराश रखा था और वो नज़र आना ही था। नौकरी करते करते कुछ ही महीने हुए थे कि पुश्तैनी काम अपनी तरफ खींचने लगा। अचानक एक दिन लड़का घर पहुंच गया, एक मूर्ति बनाने बैठ गया। माता पिता ने पूछा तो बोला कि अब यही करूँगा। लड़का शिल्प के काम में फिर ऐसे लगा कि जल्द ही पूरे देश में छा गया। उसकी बनाई मूर्तियों की तारीफ करते देश के प्रधानमंत्री नहीं थकते। अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। अरुण के दादा बसवन्ना शिल्पी को वाडियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए जाना जाता है। दादा मैसूर के राजा के बेहद प्रिय शिल्पकारों में से एक थे। उन्हें राजा का पूरा संरक्षण हासिल था। दिल्ली में इंडिया गेट पर 30 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी है। इसे अरुण योगीराज ने ही तैयार किया है। नेताजी के 125वीं जयंती से पहले PM नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए इंडिया गेट पर मूर्ति लगवाने की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस इच्छा को पूरा किया अरुण योगीराज ने। उन्होंने PM मोदी को भी 2 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा सौंपी थी, जिसके लिए PM ने उनका आभार जताया था। अरुण योगीराज का नाम यूं ही मशहूर नहीं है, उनके नाम चर्चित मूर्तियों का अंबार लगा है। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी। मैसूर जिले के चुनचुनकटे में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 15 फीट ऊंची प्रतिमा, मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद अमृत शिला प्रतिमा, नदी की 6 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा, बनशंकरी देवी की 6 फीट ऊंची मूर्ति, मैसूर के राजा की 14.5 फीट ऊंची सफेद अमृत शिला प्रतिमा, जयचामा राजेंद्र वाडियार और ना जाने कितनी ही मूर्तियां अरुण योगीराज ने हाथों से ही तराशी है। केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने भी भगवान राम की प्रतिमा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने इसे खुशी और गर्व से भरा हुआ पल बताया। केंद्रीय मंत्री ने अरुण योगीराज को कर्नाटक का गौरव बताते हुए लिखा कि उनके द्वारा तैयार की गई राम की प्रतिमा को 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा से लेकर इंडिया गेट के पास नेताजी बोस तक उनके द्वारा तैयार की गई प्रतिमाओं ने हमें सदैव विस्मित किया है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे शब्दसाची के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।